सही है। सबसे पहले बात हो रही है पैराबोला की, कि एक्सरसाइज जो 8.1 है ये है पैराबोला। पैराबोला क्या है, कैसे मिलता है? इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज स्लाइटली सॉरी, इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू दी जनरेटर ऑफ कोन एंड कट ओनली वन नैप, द रिजल्टिंग कर्व इज अ पैराबोला। बेटा कॉनिक सेक्शंस की बात हो रही है, कोन की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोन की अगर हम बात करें तो मैं पहले बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 7 की जो मैंने एक ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें बताया था कि ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स को सर्कुलर बेस से ज्वाइन करे, इस लाइन को एक्सिस ऑफ कोन कहा जाता है। और एक ऐसी लाइन जो कि कोन की सरफेस को बनाती है, ऐसी लाइन्स, वही जो सरफेस बनी है कोन की, बहुत सारी लाइन्स को मिलाकर बनी होगी। ये एक लाइन है, ये एक और लाइन है। तो ये बहुत सारी लाइंस जब एक जगह मिलती हैं तो ये इस कोन की सरफेस को बना रही हैं। तो ये बहुत सारी लाइंस मिलके कोन की सरफेस को बनाती हैं, इन लाइंस को कहा जाता है जनरेटर्स। ठीक है बेटा, कोन के अंदर दो नैप्स, कोन का जो एक हिस्सा है उसको नैप कहा जाता है। ये जो कोन, ये एक, एक एक पूरी कोन को एक नैप कहा जाता है। ये नीचे की तरफ है तो ये लोअर नैप कहलाती है बेसिकली। अगर मैं इसको डबल राइट सर्कुलर कोन बनाऊं, वैसे तो सारी जो फिगर्स हैं वो उनमें डबल राइट सर्कुलर कोन बनी हुई है हमारी किताब में, कि दो कोन्स को मिला दिया है। ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको अपर नैप कहते हैं, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको लोअर नैप कहा जाता है। बेटा ये जो लाइन है ये जनरेटर है कोन का, ये लाइन कोन की सरफेस बनाती है, ये भी जनरेटर है कोन का। अगर हम इसके पैरेलल इसको ऐसे सीधा कोन को कट कर दें, ऐसे यहां से ऐसे सीधा कट कर दें, तो यहां सीधा इसको कट करने पे, पैरेलल टू दी जनरेटर कट करने पे, इसको हमें अगर थोड़ा सा इमेजिन करें तो यहाँ पर एक शेप मिलेगा। कट करके पीस अगर मैं निकाल दूं तो मुझे यहाँ ये एक शेप मिलेगा। उस शेप को बेसिकली पैराबोला कहा जाता है। मैं वैसे एक वीडियो भी अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों से लेक्चर के बाद, उसको काइंडली देख लीजिएगा तो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इसको सीधा कट कर दें कोन को, तो हमारे पास जो शेप मिलता है उस शेप को पैराबोला कहा जाता है। मैं कट करके इसको अगर मिटा दूं मिसाल के तौर पे, अब पैराबोला जो है वो हमारे पास, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या है। ये तो थी कि
मतलब कोन को कैसे कट करेंगे तो पैराबोला मिलेगा। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, पैराबोला इज दी सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन। क्या मतलब है पैराबोला, बेसिकली ये एक कर्व पैराबोला है, इसको पैराबोला कहते हैं। इस कर्व को पैराबोला जो कर्व है इसके इनसाइड द पैराबोला एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों फोकस कहा जाता है। पैराबोला के बाहर एक एक लाइन मौजूद होती है, एक फिक्स्ड लाइन पैराबोला के बाहर लाइन करती है जिसको रेफरेंस लाइन भी कहा जाता है। फॉर डेफिनेशन पर्पस इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये एक फिक्स्ड लाइन कहलाती है। बेटा पैराबोला की डेफिनेशन कहती है कि पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर ये पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हेड सेट ऑफ पॉइंट्स है। पैराबोला के किसी भी एक पॉइंट को उठा लें, डेफिनेशन कहती है इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस अगर डी वन है तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस भी डी वन होगा। डेफिनेशन कहती है इस पॉइंट को उठाएं, इस फोकस तक का डिस्टेंस अगर डी टू है तो इससे इस तक का डिस्टेंस भी डी टू होगा। इस पॉइंट को उठाएं, अगर इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस डी थ्री है तो पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस भी डी थ्री होगा। मतलब तो डेफिनेशन ये कह रही है कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट को उठा लें, ये एक पैराबोला दोबारा बना रहा हूं मैं, आवारी आवाज सबको। हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो बच्चों आवाज आ रही है? अच्छा मैसेज आया था कि नहीं आ रही। ओके, तो डेफिनेशन समझा रहा था कि मैं पैराबोला के किसी भी पॉइंट को उठा लें तो पॉइंट से इस फोकस तक का डिस्टेंस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। मतलब ये डिस्टेंस अगर डी वन है तो मैंने कहा ये डिस्टेंस भी हमेशा डी वन के बराबर होगा। जी मैं सेंड कर दूंगा अर्जुन बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट कोई भी उठा लें उससे फोकस तक का डिस्टेंस तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हमेशा हमेशा इक्वल होता है, पैराबोला की ये डेफिनेशन कहती है। डेफिनेशन के बाद हम पार्ट्स ऑफ पैराबोला पे जाएंगे।
इसको कॉपी कर लें तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पार्ट्स ऑफ पैराबोला की बात करेंगे। बेटा वीडियो आपके पास नहीं आ रही होगी, बाकी सबके पास आ रही है। अच्छा भाई, पैराबोला के पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपसे कहा कि एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, जो के अंदर लाए करता है, उसको हम फोकस कहते हैं। एक फिक्स्ड लाइन जो कि आउटसाइड दी पैराबोला लाई करती है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। एक ऐसा पॉइंट जिस पे पैराबोला और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला कहा जाता है। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक ऐसी लाइन है जो कि फोकस से गुजरती है, फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स से जाके 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बेटा वर्टेक्स कहा जाता है, जिस पे ये पैराबोला और ये जो एक्सिस है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक ऐसी लाइन जो के पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिलाए, कोई भी दो पॉइंट्स को, मतलब ये एक लाइन है, ये पैराबोला के ये दो पॉइंट्स को मिला रही है। अगर कोई लाइन किसी भी कर्व के दो पॉइंट्स को मिलाती है तो इस लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। अगर यही लाइन फोकस से पास कर रही है और पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिला रही है, इस लाइन को फोकल कॉर्ड कहा जाता है। सही है, और अगर यही लाइन पैराबोला के फोकस से पास कर रही है लेकिन ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है,
जी बेटा, एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल अगर बना रही है लाइन, ये रेड लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक्सिस के साथ, ये फोकल कॉर्ड है जो कि एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसी फोकल कॉर्ड जो कि एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसको लेटस रेक्टम कहा जाता है। इस फोकल कॉर्ड को लेटस रेक्टम कहा जाता है। तो ये आपके पास पार्ट्स ऑफ पैराबोला है कि जो वर्टिकल लाइन आउटसाइड दी पैराबोला लाई कर रही है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड दी पैराबोला लाई कर रहा है उसको फोकस कहा जाता है, अगर कोई लाइन पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिला रही है उसको कॉर्ड कहते हैं, अगर वो फोकस से पास कर रही है तो उसको फोकल कॉर्ड कहा जाता है। इसकी अगर प्रॉपर फिगर देखें तो वो ये इस तरीके से, एक्सिस ऑफ पैराबोला को दूसरे अल्फाज में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला भी कहा जाता है, जैसे जो फिगर मैंने पेस्ट करी है इस पे बनी हुई लिखा हुआ है, हमारे कोर्स में नहीं लिखा हुआ है इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला, उसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला ही हमारे कोर्स में लिखा हुआ है। चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आपने। असल चीज जो चैप्टर नंबर 8 में है वो है केसेस याद करना। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं बचा कि मैं केसेस सारे ड्राइव कराऊं, मैं वीडियो एक शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने केसेस ड्राइव किए हुए, अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा केसेस कैसे याद रखने हैं बस। चले आगे बच्चों, टेबल मैं यहाँ खुद ही बना लेता हूँ। चार केसेस हैं हर उसके अंदर, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ
एक्सेस इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये चीजें हमें चाहिए। हर केस के अंदर केस नंबर वन जो है, पहला केस है व्हेन द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, कि अगर पैराबोला के एक्सिस को उठाकर एक्स एक्सिस के ऊपर रख दिया जाए तो हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, टोटल चार केसेस हैं हर फिगर में, पैराबोला हो, इलिप्स हो और हाइपरबोला हो, चारों के अंदर जो है वो हमारे पास चार केसेस हैं। पहले केस के अंदर जो है वर्टेक्स फोकस वगैरह, पहला केस मैं ड्राइव करा रहा हूँ आपको यार। बेटा एक्सरसाइज 8.1 के लिए पढ़ा रहा हूँ जी। बेटा मैं टेबल पे पढ़ा रहा हूँ, टेबल बनाकर जो है मैं पहले इसके जो है ना एक फिगर समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिगर समझाऊंगा तो बेहतर तरीके से चीज समझ आएगी आपको। एक मिनट बच्चों देना बस। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। जब पहला केस समझा रहा हूँ यहाँ पर ना ब्रीफली, क्योंकि फिर बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, मैंने यही सोचा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं दोबारा, अब आ रहे बात नजर, अब आ रहे बात।
ओके ठीक है, अब कर क्या रहे हैं हम, पैराबोला को उठाकर एक्स एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं। ये पैराबोला मैंने यहाँ पर बुलाया, ये पैराबोला को मैंने उठा के एक्स एक्सिस पर रख दिया। अब पैराबोला को मैंने ऐसे यहाँ पर रखा है कि इसका जो ये पॉइंट है, जो एक पॉइंट है इसका, ये पॉइंट ओरिजिन को टच कर रहा है। ये पॉइंट बेसिकली 0,0 है, ठीक है। पैराबोला को उठा के मैंने जो है वो ऐसे रख दिया कि उसका एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन को टच कर रहा है। अब पैराबोला का जो एक्सिस है वो बेसिकली एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ये पैराबोला का एक्सिस है। ठीक है, और आपको पता है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन मौजूद है जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अब बेटा ये जो फोकस है इसका, पैराबोला का, ये फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाए कर रहा है। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाए कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो तो 0 होगा। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पैराबोला के अंदर ये जो वर्टेक्स है और ये है फोकस, वर्टेक्स और फोकस के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा ए कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट से फोकस तक का जितना डिस्टेंस है, पॉइंट से लाइन तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। मतलब ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी हमेशा हमेशा ए के इक्वल होगा। अब ये पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, जी बेटा मैं भेज दूंगा, ये क्योंकि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसका एक्स डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला होगा जो ब्लैक कलर का मैंने यहाँ पर बनाया। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके सामने है कि ये डिस्टेंस ए के बराबर है, तो ये जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 होंगे। वर्टेक्स 0,0 और फोकस 0,0, तो ये हम ऊपर अपने पास टेबल पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स है 0,0, फोकस है 1,0। अगली चीज हमें चाहिए एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम कैसे आएंगे हमारे पास? लेटस रेक्टम यहाँ पर बना लेते हैं। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो कि फोकस से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये ग्रीन लाइन जो है लेटस रेक्टम है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हर केस के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर होती है मॉड 4a के, चाहे कोई भी केस आ जाए। ये ड्राइव भी करवा दूँ, ड्राइव भी करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये वाला पॉइंट देखें गौर से, मेरी बात को समझिएगा, ये जो पॉइंट है लेटस रेक्टम का, ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, तो बताएगा ये पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस नीचे अगर आप देखें इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस, और नीचे देखें ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस क्या है, 2a। हाँ, ये डिस्टेंस भी 2a है क्योंकि a प्लस a, ये पूरा डिस्टेंस 2a होगा, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस भी 2a हो जाएगा। तो ये पॉइंट है, पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस 2a है, तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस 2a है, तो पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस भी 2a होगा। तो हाफ ऑफ लेटस रेक्टम जो है यहाँ पर 2a के बराबर होती है। तो हाफ ऑफ लेटस रेक्टम 2a, तो दोनों को ऐड करा देंगे तो हमारे पास लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो 4a के इक्वल आती है हमेशा। तो आपको ये याद रखना है कि भाई लेटस रेक्टम हर केस के अंदर 4a के बराबर है, हाफ लेटस रेक्टम 2a और हाफ लेटस रेक्टम 2a के। अब ये जो पॉइंट्स हैं दोनों चाहिए, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट से वाई एक्स, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आपके सामने ए है, मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए होगा।
इस पॉइंट का अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी आपके पास ए है। इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि 2a के बराबर है। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 2a के बराबर होगा। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर हम देखें वर्टिकल, ये डिस्टेंस भी 2a है, मतलब इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 2a के बराबर होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2a। तो आपके पास एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ये आ जाएंगे। बेटा पैराबोला का जो एक्सिस है, ये जो लाइन है एक्सिस, ये रखा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर। जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी वही पैराबोला के एक्सिस की भी इक्वेशन होगी। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू जीरो, तो पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन भी वाई इज इक्वल टू जीरो होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है किसके, किसके सामने है, किसके पैरेलल है ये, किसके सामने है, ये वाई एक्सिस के सामने है। जी बेटा तो ये क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब है इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एमसीक्यू भी आता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस से देखा जाएगा कि वाई एक्सिस से लाइन कितनी दूर है, तो वाई एक्सिस से लाइन ए डिस्टेंस पर मौजूद है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको हम एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कंसिडर करते हैं। ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम भी पैरेलल है वाई एक्सिस के, इसकी इक्वेशन भी होती है एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी ए के बराबर है, तो ये एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसको हम ऊपर लिखेंगे कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास आया है ए कॉमा प्लस माइनस टू है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है पहले केस में वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है एक्स इज इक्वल टू प्लस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इज इक्वल टू माइनस है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है होती है पहले केस की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बोलेंगे तो इक्वेशन ड्राइव भी करा दूंगा। तो पहले केस के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि ये चीज़ें आपके पास होंगी। तो केस नंबर वन आपके पास ये है, इक्वेशन ड्राइव करवा दें। चलो अभी करवा देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, बस ये मैं सारे केसेस लिख दूँ फिर मैं ड्राइव करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं बेटा डायग्राम नहीं बनानी, ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये टोटल आपके सामने 7 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, इनको याद करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इसके आपके पास टोटल 4 केसेस हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। केस नंबर वन है एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस, ये केस वन है। केस टू पे आते हैं, केस टू याद करना आसान है, केस वन याद कर लोगे केस टू भी याद हो जाएगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो केस टू के लिए अब आपको क्या करना है, भाई बता देते हैं केस वन से केस टू कैसे बनेगा। आप क्या करें, पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दें, पलट दें, ये 0 इस जगह पर आ जाएगा, ये 0 इस जगह पर आ जाएगा, तो ये 0,0 रहेगा, ये ए इधर आ जाएगा, 0 उधर चला जाएगा,
तो ये 0, ए हो जाएगा, ये प्लस माइनस 2 इधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2a, ए हो जाएगा। जहाँ वाई है वहाँ एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स है वहाँ वाई आ जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ वाई आ जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर है 4ax के, वाई लिखा है तो एक्स आ जाएगा और एक्स लिखा है तो वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास केस 2 बन जाएगा। आई बात समझ में कि केस कैसे बनेगा? केस 1 से केस 2 कैसे बनेगा? केस 2 की फिगर चाहते हैं बनाना, तो ये होगी केस 2 की फिगर, उल्टा हो जाएगा पैराबोला, इस तरीके से आ जाएगा। व्हेन दी एक्सिस ऑफ पैराबोला इस अलोंग वाई एक्सिस, तो ये केस 2 बन जाएगा। अरे बात समझ में आप लोगों को? कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी बता दें। ओके गुड। ओके अच्छा, एक और चीज यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हमें केस 1 और 2 अगर याद हो गया है तो केस 3 और 4 हमें कैसे बनाना है, अब इससे बात कर रहे हैं। केस 1 से जाते हैं हम केस 3 में और केस 2 से हम जाते हैं केस 4 में। किस तरीके से जाते हैं? एड एच इन एक्स कोऑर्डिनेट, एड के इन वाई कोऑर्डिनेट, और इक्वेशंस के लिए रिप्लेस एक्स बाय एक्स माइनस एच, रिप्लेस वाई बाय वाई माइनस के। मतलब ये जो टेबल है इसमें अब हमें केस 3 बनाना है। केस 3 कैसे बनाएंगे गौर से देखिएगा भाई। केस 1 में है 0, 0, ए कॉमा 0, केस 1 लिख रहा हूँ पूरा, ए कॉमा प्लस माइनस 2a, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बेटा करना क्या है कि केस 1 से केस 2 में जाते हैं, पहला जो 0 है हटा दिया, इसमें एच कर ऐड कराया, एच 0 प्लस एच तो 0 आ गया, दूसरे 0 में हमने के ऐड कराया तो के आ गया, इस ए में हमने एच ऐड कराया तो ये एच प्लस ए हो गया,
इस जीरो में हमने के ऐड कराया तो ये के हो गया, ये ए है इसमें एच ऐड कराएंगे तो एच प्लस ए, ये वाई कोऑर्डिनेट है इसमें के ऐड कराएंगे तो के प्लस माइनस टू है। इक्वेशंस के लिए क्या करना है, जहां वाई है वहां वाई माइनस के आ जाएगा, जहां एक्स है वहां एक्स माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाई स्क्वायर हट जाएगा, वाई की जगह वाई माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स लिखा है, एक्स की जगह एक्स माइनस एच आ जाएगा। जी बेटा जी, के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले में एच ऐड कराना है, दूसरे में के ऐड कराना है। जहाँ इक्वेशन है वाई के साथ माइनस के आ जाएगा, जहाँ एक्स है उसके साथ माइनस एच आ जाएगा इक्वेशंस में। तो ये हमारे पास केस थ्री बन जाएगा। केस थ्री का जो नाम है वो है एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। केस फोर है एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो भाई केस टू अगर आपको याद है, 0,0, 0, a प्लस माइनस 2a, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो केस टू अगर आपको याद है तो पहले में यहाँ पर वही करना है, केस टू में पहले में एच ऐड होगा, दूसरे में के ऐड हो जाएगा। जी बेटा ऐसा ही है बिलाल, यहाँ के ऐड हो जाएगा। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पहले में एच ऐड हो जाएगा, दूसरे में के ऐड होगा, के प्लस ए हो जाएगा। पहले में एच ऐड हो गया, दूसरे में के ऐड हो गया। इक्वेशन है एक्स के साथ माइनस एच आ जाएगा, वाई के साथ माइनस के आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर, 4ay है तो 4ay माइनस के हो जाएगा। जी बेटा बिल्कुल होगा सेम काम, बस करना क्या है कि केस टू से केस फोर बनेगा और केस वन से केस थ्री बनेगा। केस वन याद कर लिया तो केस वन से आप केस टू बना सकते हैं कि आप वैल्यूज को पलट दें, इंटरचेंज कर दें, तो आपके पास केस टू बन जाएगा। जब वन और टू बना लिया तो फिर थ्री और फोर आप इस तरीके से बना सकते हैं आसानी। पेपर में सवाल आएगा सॉल्व करने के लिए, बोलेंगे कि आप सवाल में वर्टेक्स फोकस निकालें, तो जब तक आपको ये केसेस याद नहीं होंगे तो आप वर्टेक्स फोकस वगैरह निकाल नहीं सकते, तो इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, इन्हीं की मदद से सवालात को हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई चाहता है कि केस थ्री फोर केस वन टू थ्री मतलब सारे केसेस बहुत डिटेल में पढ़ें, तो मैं अपना एक यूट्यूब का लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल के अंदर पैराबोला को डिस्क्राइब किया हुआ है। जी बेटा
मैं भी थोड़ा टाइम है बेटा। हाँ बेटा, मुझसे वैसे ही कर रहे हैं, जितना पेपर में आता है वो चीज़ हम टारगेट कर लें, ज़्यादा बेहतर यही है। अच्छा, केसेस याद होने के बाद आपको केस को आइडेंटिफाई करना होता है इक्वेशन को देखकर। किस तरीके से केस को आइडेंटिफाई करते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बेटा एमसीक्यूज जो है उसकी क्लास पेपर्स के गैप में, स्क्वायर ऑन मतलब ये जो प्रीलिम्स के गैप में, स्क्वायर ऑन वाई, स्क्वायर ऑफ वाई या स्क्वायर ऑन वाई, स्क्वायर ऑन एक्स, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। दो टर्म्स हैं, वाई पे स्क्वायर है तो केस वन है, एक्स पे स्क्वायर है तो केस टू है। चार टर्म्स हैं सवाल में, वाई पे स्क्वायर है तो केस थ्री है। और अच्छा उल्टा लिख दिया यार, ये केस टू होगा, ये केस थ्री होगा, सॉरी। अगर दो टर्म्स हैं वाई पे स्क्वायर है तो केस वन, एक्स पे स्क्वायर है तो केस टू। चार टर्म्स हैं वाई पे स्क्वायर है तो केस थ्री, एक्स पे स्क्वायर है तो केस फोर। मिसाल के तौर पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ इक्वेशंस लिखती हैं, इनको पहचानना है कि ये पैराबोला है या नहीं है। 1 मिनट। सही है, पहला अगर आप देखें वाई पे स्क्वायर है दो टर्म्स हैं केस वन, एक्स पे स्क्वायर है दो टर्म्स हैं केस टू, एक्स पे स्क्वायर है चार टर्म्स हैं केस फोर, वाई पे स्क्वायर है चार टर्म्स हैं केस थ्री। ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है, केस पहचान लिया आपने। केस पहचानने के बाद अब सवाल पे चलेंगे। एक्सरसाइज 8.1, एक सवाल लाजमी आएगा शॉर्ट में 8.1 से। पहला सवाल ड्रॉ का है, ड्रॉ का सवाल नहीं आता पेपर में, लेकिन मैं सवाल को चेंज करके कराता हूँ। ड्रॉ के बजाय मैं कहता हूँ फाइंड दी वर्टेक्स फोकस एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
इक्वेशन ऑफ एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास। पहला सवाल पार्ट चेंज करा देता हूँ थोड़ा सा, इसको 4ax कहते हैं। बुक के अंदर जो है ना फोर सॉरी बुक के अंदर लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, ये ड्रॉ का सवाल है इसलिए चेंज हो सकता है, मैं ये हटा के ये बताता हूँ। इससे ये होता है कि सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। सबसे पहली बात ये है कि आपने देखा सवाल को, तो सवाल को देख के आपको केस पहचानना है। वाई पे स्क्वायर है, दो टर्म्स हैं, तो कौन सा केस है? केस वन है, तो केस वन नहीं लिखना है। कि अगर को नहीं पता केस वन क्या है, केस वन की वर्डिंग लिखनी है, सिंस द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। केस वन का मतलब एक्स ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है। अब यहां पर क्या करना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, अब आपको केस वन की इक्वेशन याद होनी चाहिए, सही है? केस वन की इक्वेशन याद होनी चाहिए। केस वन की इक्वेशन क्या है? केस वन की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सही है? तो आपको करना क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को कंपेयर कराना है। कंपेयर कराने में आपको पता क्या चलेगा, मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ जो बेटा, आप साथ में एक साथ कॉपी कर लिएगा कि यहाँ पर जो है कंपेयर कराने पे 4a बराबर होगा किसके, 8a के। तो यहाँ इसको कंपेयर कराएंगे बच्चों, तो 4a बराबर आ जाएगा 8 के, मतलब a बराबर आ जाएगा 8/4 और a आ जाएगा आपके पास 2। अब आपके पास a आ गया, अब आपको केस वन के पॉइंट्स याद होंगे तो आप आंसर लिख पाएंगे। नंबर वन, आपसे वर्टेक्स मांग रहा है, तो केस वन में वर्टेक्स होगा 0,0। नंबर टू, केस टू का फोकस, केस वन का फोकस मांग रहा है, केस वन में फोकस होता है 1,0, तो ए की जो वैल्यू आपने निकाली है वो यहाँ रखेंगे तो 2,0 हो जाएगा। क्या चीज समझ नहीं है बेटा? देखो बेटा, सबसे पहले तो आपने पहचाना कि केस कौन सा है। आपने देखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, दो टर्म्स हैं, वाई पे स्क्वायर है, केस वन है। आपने फॉरन से इसको कंपेयर कराना है केस वन की जो इक्वेशन लिखवाई थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax उससे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स का कोफिशियंट 8 है और यहाँ एक्स का कोफिशियंट 4a है, तो दोनों को कंपेयर कराएंगे। जब दोनों को कंपेयर कराएंगे तो 4a बराबर हो जाएगा 8 के, तो a आ जाएगा 2। अब हमें पहले ही पता चल गया कि ये केस वन है, तो अब हमने केस वन के जो पॉइंट्स लिखे थे टेबल के अंदर वो सारे पॉइंट्स हमें निकालने हैं, कि वर्टेक्स 0,0 है, फोकस 1,0 है, ए यहाँ पर 2 है तो फोकस होगा 2,0, एंड पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम बराबर है केस वन में 1, ±2 है, तो ये होगा 2, ±2, ए की जगह भी 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 2, ±4। फिर मांग रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्सेस, तो आपको याद होना चाहिए वो टेबल के इक्वेशन ऑफ एक्सेस केस वन के अंदर क्या है, एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है तो वाई इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है बेटा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो एक्स इज इक्वल टू -2, -2 इधर आएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सारे सारे के सारे पॉइंट्स आ गए जो रिक्वायर्ड थे। आते हैं इस टाइप के सवाल, क्यों नहीं आते बेटा, कराने का मकसद यही है कि आते हैं इस टाइप के सवाल।
नहीं, ये सवाल आता है 5 नंबर के लिए भाई। देखो मुझसे बेटा कि हमने जब इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर कराया तो 4a और 8 बराबर आ गए, तो 4a बराबर आ गया 8 के, मतलब a आ गया 2। अब बेटा ये सारे पॉइंट्स जो आपको चाहिए ना, वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारे के सारे पीछे टेबल से याद होने चाहिए। अभी आपने बेशक टेबल से देख लिए कि भाई फोकस होता है, वर्टेक्स है 0,0, फोकस है 1,0, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम है 1, ±2 है। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ लिखी और ए की जगह आप 2 रखते चले गए सब में। यहाँ पर भी आपने ए था, ए की जगह 2 रख दिया, यहाँ दोनों जगहों पर ए है तो 2 रख दिया आपने। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि केसेस याद करने होंगे। यहां तक कोई मसला किसी को? जी बेटा दोनों ही पढ़ाऊंगा बिलाल, पढ़ाऊंगा मैं सब पेपर से पहले भाई, ये आप टेंशन ना लो। हाँ ऐसा ही है भाई का उसूल है। ठीक है मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कल कैंपस 2 में क्लास हो जाए फिजिकल, और कैंपस 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कोई एक सेटिंग बनाता हूँ। ठीक है, फिजिकल क्लास कल हो जाए तो मैं ताकि थ्योरी कराता हूँ इसकी पूरी, मतलब थ्योरी कैसे मरा दी है कि इसके सारे सवाल कराता हूँ। हाँ 8.1 कंप्लीट नहीं हुई है अभी। जी बेटा अभी सेंड कर रहा हूँ, बेटा अभी हाथ के हाथ भेज रहा हूँ, टाइम लगाएंगे ही नहीं। और बोले ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। ओके कैंपस 2 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ना, बिल्कुल कल मैं हाँ कैंपस में कोशिश करता हूँ। एमसीक्यू उसके पेपर आएगा पहले, तो ऑनलाइन करवा लें, वेडनेसडे को पेपर है भाई। मैं बच्चे बता दें ऑनलाइन कल क्लास लूँ ये या फिर कैंपस में क्लास लूँ, कैंपस 2 के बच्चे वोटिंग करा रहे हैं कैंपस में। एक और भी बताएं भाई, कैंपस कैंपस, अबे बात कैंपस 5 वालों से नहीं पूछ रहा अभी, उनसे पूछता हूँ। और बता दें भाई कैंपस 2 वाले बच्चे। ठीक हाँ, शाम में रखूँगा, कैंपस में लूँगा तो ऑनलाइन। मुझ पर डिपेंड कर रहा है, चलो मैं अभी एडमिन से बात करता हूँ। चलो अच्छी बात है, तो मैं कैंपस वालों से बात करता हूँ, जैसा कहते हैं ठीक है, मैं आपको फिर इन्फॉर्म करता हूँ। ये मैं PDF भेज रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। 7 बजे ट्यूशन, अबे खुद पढ़ ले भाई, पे ट्यूशन पढ़ाना।